नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। ये तमाम बेहद बड़ी अपडेट आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, जहां पर जानेंगे बंगाल में ईवीएम गड़बड़ी के बीच निकल के आई है खबर सामने कि बीजेपी ने किया है बूथ कैप्चरिंग। तो वहीं आप लोगों को बताएंगे बंगाल में 4 मिनट में अचानक ही घट गया मतदान, टीएमसी ने चुनाव आयोग से कर दी है शिकायत। इसी प्रकार की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। बंगाल के मतदान के बीच कई जगह से खबरें सामने निकल के आई हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है, कई जगहों पर ईवीएम में खराबी मिली है। जी हां दोस्तों, लगातार यहां पर मतदाताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच आप लोगों को बताते चले टीएमसी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, टीएमसी ने चुनाव आयोग से कर दी है शिकायत। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्राय ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि कांठी उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 9:13 तक वोटिंग प्रतिशत 18.47 और 18.95% था। 4 मिनट के बाद ही 9:21 पर वोटर टर्नआउट कम होकर के 10.60 और 9.40% ही रह गया। आखिर ये वोट गए कहां? ये यहां पर टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया है। देख सकते हैं लगातार भाजपा के ऊपर चुनावी गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं बंगाल के अंदर। और वहीं कई जगह से ऐसी खबरें भी सामने निकल के आई हैं कि ईवीएम में खराबी देखने को मिली है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बंगाल में जारी मतदान के बीच टीएमसी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल में जारी मतदान के बीच टीएमसी ने आरोप लगाया है कि पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की मेदिनीपुर विधानसभा सीट के 178 नंबर बूथ और पूर्वी मेदिनीपुर जिले के दक्षिण कांठी विधानसभा सीट के 128 नंबर बूथ पर सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान वोटरों को धमका रहे हैं और वोट नहीं डालने दे रहे हैं। टीएमसी ने पश्चिमी मेदिनीपुर के खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 122 पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से लोगों को ईवीएम का पहला बटन दबाने के लिए कहा जा रहा है। पहले नंबर पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। टीएमसी ने इसके अलावा दंतन विधानसभा क्षेत्र के 14 नंबर बूथ पर बीजेपी एजेंट के अन्य मतदाताओं के आईडी लेकर वोट करने का आरोप लगाया है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि टीएमसी का गंभीर आरोप बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग, सीआरपीएफ पर धमकी देने का लगाया है बड़ा आरोप। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बांग्लादेश मोदी के दौरे का विरोध कर रहे लोगों पर की गई गोलीबारी, 4 लोग मरे। आप लोगों को बताते चलें, प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे के विरोध में हुए प्रदर्शनों में 4 लोग मारे गए हैं और दर्जनों लोग यहां पर घायल हो गए हैं। आप लोगों को बताते चलें, मोदी के बांग्लादेश दौरे को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश में यहां पर गोलियां चलाई, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर सामने निकल के आई है। आप लोगों को बताते चले, इस विरोध प्रदर्शन में वामपंथी संगठनों के लोग भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी हैं और ऐसे व्यक्ति का बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां जाना पूरी तरीके से गलत है। आप लोगों को बताते चले, नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे के बीच लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और यहाँ पर मोदी विरोधी नारे लगा रहे हैं, उनको काले झंडे दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी खबर है। एक और अपडेट जान लेते हैं, मोदी जी बांग्लादेश की आजादी में भारत तो पाकिस्तान से युद्ध कर रहा था, फिर आपको जेल किसने भेजा? ये यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है मोदी के बयान पर संजय सिंह ने। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों बांग्लादेश के दौरे पर हैं और उनके इस दौरे पर लगातार विपक्ष हमला बरसा है, क्योंकि उनके इस दौरे को लेकर के उनकी नियत पर सवाल उठ रहे हैं। बंगाल में चुनाव है, तो वहीं आप लोगों को बताते चले मोदी ने एक सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश की आजादी के लिए उन्होंने भी संघर्ष किया था और इस वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। मोदी के इस नए खुलासे पर देश भर में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भारत सरकार तो शुरू से बांग्लादेश के ही साथ थी, इसके लिए पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध भी चल रहा था, फिर मोदी को जेल भेजा किसने, भारत ने या पाकिस्तान ने?
तो वहीं आप लोगों को बताते चले, सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि फेंकने की भी कोई हद होती है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी खबर है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, पेट्रोल डीजल की कीमतों और रोजगार को लेकर के घेरा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी लगातार हमला पर है केंद्र की मोदी सरकार पर बढ़ती हुई महंगाई और यहां पर रोजगार के मुद्दे पर। आप लोगों को बताते चलें, इसी क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी यहां पर बीजेपी को घेरा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बीजेपी का नाम लिए बगैर उस पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी और गलत ढंग से जीएसटी लागू करने से अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, युवा रोजगार के लिए परेशान है, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी परेशान है, गरीब और गरीब हो रहे हैं, कोविड के संकट ने लोगों के लिए और भी मुश्किलें पैदा कर दी है। देख सकते हैं एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने घेरा है सीधे तौर पर केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को और यहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिया है प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर। एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, टिकैत बोले असम और बंगाल के लोगों नकलों से सावधान, कृपया जुमलेबाजों को वोट ना दें। आप लोगों को बताते चले, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो वहीं दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन भी लगातार जारी है। अब सीधे सीधे संघर्ष किसान बनाम भाजपा का हो चुका है। भारतीय किसान यूनियन ने पश्चिम बंगाल और असम के मतदाताओं से भाजपा को खारिज करने की अपील की है। आप लोगों को बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भाजपा को नकल पार्टी बताते हुए असम और पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील की है कि नकलों से सावधान। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, भारतीय जनता पार्टी को जुमलेबाज व झूठ बोलने वाली पार्टी करार देते हुए टिकैत ने अपील की है कि बंगाल और असम के सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि जुमलेबाजी करने वाले और झूठे सपने बेचने वालों को वोट किसी भी कीमत पर ना दें। यह यहां पर दोस्तों एक बार फिर से देख सकते हैं, राकेश टिकैत ने बीजेपी को लिया है निशाने पर। आज पहला चरण का मतदान है बंगाल और असम में, उसी को लेकर के यहां पर टिकैत ने अपील की है मतदाताओं से कि बीजेपी को खारिज कीजिए, बीजेपी को वोट किसी भी कीमत पर नहीं देना है क्योंकि ये जुमलेबाज पार्टी है। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, बंगाल में अब तक 45% वोटिंग। आप लोगों को बताते चले, बंगाल के मतदाताओं में मतदान को लेकर के काफी उत्साह नजर आ रहा है। आप लोगों को बताते चले, अभी तक बंगाल में 45% वोटिंग हो चुकी है। मतदान के आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो असम में अब तक 30% वोटिंग के साथ ही बंगाल की तुलना में काफी पीछे है। देख सकते हैं कि बंगाल के अंदर काफी मतदाताओं के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं, बंगाल में बवाल, पूर्वी मिदनापुर में फायरिंग, 2 सुरक्षा कर्मी हुए घायल, भाजपा कार्यकर्ताओं पर बूथ में घुसने का आरोप। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 5 जिलों की 30 सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है। मतदान शुरू होने के 2 घंटे के बाद ही हिंसक झड़पों की खबरें आनी शुरू हो गई। आप लोगों को बताते चले, पूर्वी मिदनापुर में एक मतदान केंद्र पर फायरिंग हुई जिसमें 2 सुरक्षा कर्मी यहाँ पर घायल हो गए। आप लोगों को आगे बताते चले, टीएमसी ने झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर जिले में भाजपा पर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने झारग्राम के बूथ नंबर 218 पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से ईवीएम खराब कर समस्या उत्पन्न करने और पश्चिमी मेदिनीपुर के गारबेटा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 167 पर वोटरों को अंदर न जाने देने का आरोप लगाया है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव अधिकारी भी उन्हें ही सपोर्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं लगातार भाजपा के ऊपर चुनावी धांधली के आरोप लग रहे हैं बंगाल के अंदर, और टीएमसी ने चुनाव आयोग से भी कर दी है शिकायत। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भाजपा उधार की जनता पार्टी है, बंगाल में टीएमसी की जीत से 2024 में होगा बदलाव। ये यहां पर कहना है टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नवनियुक्त उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा का कहना है कि भाजपा उधार की जनता पार्टी बन गई है जो दूसरे दलों से आए नेताओं के सहारे चुनाव लड़ रही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत 2024 के लोकसभा चुनाव में बदलाव लाएगी। सिन्हा ने कहा है कि भाजपा के पास पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मुकाबला करने के लिए कोई भी प्रमाणिक चेहरा नहीं है और वह बाहरी सहा मोदी पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा है कि बंगाल में चुनाव जीतने की भाजपा की लालसा से साफ होता है कि उसकी केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव जीतने की बहुत कम संभावनाएं हैं।
तो वही असम में जहां वह सत्ता में है उसकी जीत कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक बार फिर से यशवंत सिन्हा ने घेरा है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारत बंद से ठहर गया पूरा हरियाणा। किसानों ने कहा यह फसलों का नहीं नस्लों को बचाने का आंदोलन है। आप लोगों को बताते चलें, विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के भारत बंद ने उन लोगों को जवाब दे दिया है जो यह कह रहे थे कि किसान आंदोलन अब दम तोड़ रहा है। जी हाँ, आप लोगों को बताते चलें, शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरा हरियाणा मानो ठहर सा गया। बड़ी तादाद में बाजार बंद रहे जिससे सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा रहा। बसें नहीं चल पाई, रेल यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ, दूध और सब्जियों की सप्लाई भी पूरी तरीके से प्रभावित रही। किसान लोगों से निवेदन करते नजर आए कि यह फसलों का नहीं बल्कि नस्लों को बचाने का आंदोलन है, इसलिए यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक कि सरकार झुक नहीं जाती है और ये कृषि कानून रद्द नहीं करती है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की अपील, देश को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ जरूर करें वोट। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आरंभ होने के बाद मतदाताओं का आह्वान किया है कि वे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बांटने वाली ताकतों के विरुद्ध वोट करें। आप लोगों को बताते चलें आगे, तो वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी यहां पर ट्वीट करते हुए कहा कि आज असम में और बंगाल में प्रथम चरण का मतदान है। मैं असम के लोगों विशेषकर युवाओं एवं मेरी बहनों से अपील करती हूं कि आज मतदान स्थल पर भारी संख्या में पहुंच करके वोट करें, असम की प्रगति और सुनहरे भविष्य के लिए वोट करें। ये यहां पर कहना है प्रियंका गांधी का। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।